जय हिंद प्यारे दोस्तों। बेसिकली दोस्तों 10वीं पास 12वीं पास सभी के लिए दिल्ली में वैकेंसी आउट हुई है। अगर आप पक्की सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और आप 10वीं पास हैं 12वीं पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि जो वैकेंसी निकली है वो दिल्ली के भारतीय कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में निकली है। तो बेसिकली दोस्तों पोस्ट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट आउट हुई। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें बताइए सारे अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों दिल्ली के भारतीय कॉलेज में वैकेंसी आउट हुई है। पहली पोस्ट की बात करते हैं, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का नाम है इसमें 12th पास मांगा गया है। अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना कोई टेक्निकल फील्ड है, ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, अगर आप सिंपल 12th पास हैं तो ये वैकेंसी आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें सिंपल 12th पास मांगा गया है। उसके साथ साथ दोस्तों 35 words per minute आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए और 27 साल ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जो लगते ही 20 से 25 हजार आपकी सैलरी बनेगी, जो एवरी ईयर इंक्रीमेंट के तौर पे बढ़ती जाएगी। दोस्तों अगली पोस्ट की बात करते हैं, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट पोस्ट का नाम है इसमें 10th पास मांगा है। अगर आपने 10th की हुई है, जिसमें कि आपके जब आपने 10th की थी और आपके साइंस साइड में आप पास हैं, सपोज कि दोस्तों आपने 10th पास की है, आपके बिना ग्रेस के आप पास हैं साइंस सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ साथ आपकी एज होनी चाहिए 30 साल और लेवल 1 के अंगूठी सैलरी मिलेगी, जो लगते ही 20 से 25 हजार आपकी सैलरी बनेगी। अगली पोस्ट की बात करते हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट का नाम है इसमें 10th पास चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें 10th के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी कोर्स का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। इसमें अगली बात करते हैं एज की, तो ज्यादा आपकी 30 साल और सैलरी की बात करते हैं लेवल 1 के अंगूठी सैलरी मिलेगी, जो लगते ही 25 से 30 हजार आपकी सैलरी बनेगी। बात करते हैं दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आपने 10th या 12th की हुई है और आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ₹500 देने होंगे और एससी एसटी कैंडिडेट को ₹250 देने होंगे। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आपको वहां पे जाना है, ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, उसका प्रिंट आउट लेना है, उस पे आप अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उस पे आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करनी है, सेल्फ अटैच करने है दोस्तों, आपको आपको सेंड करने हैं वो एनवलप में। उस एनवलप पे आपको मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी के साथ आपको मेंशन करना है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसी के साथ एक चीज और मेंशन करनी है कि भाई आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया था, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है, वो भी आपको मेंशन करना है। ये सब चीज मेंशन करने के बाद आपको सेंड करने हैं द प्रिंसिपल भारती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली C4 जनकपुरी नई दिल्ली 110058। दोस्तों यहां पे आपके डॉक्यूमेंट सारे पहुंच जाने चाहिए। लास्ट डेट की बात करें तो 14 नवंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आप मुझसे 1-on-1 बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जॉइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।